सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में मैम आपको वो सारे आपके मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक्स जो आपको लग रहे हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, वो एक बार वन गो में रिवाइज करवाने की। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे इस सेशन को वॉच आउट करो, ताकि आपके वो सारे चैलेंजिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। एंड मेक श्योर जरूर करना कि आप सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन को शेयर भी कर दो, ताकि उनके भी ये सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कि भाई द्रोणा बैच इज लाइव नाउ। द्रोणा के जो एनरोलमेंट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये वो कोर्स है, वो क्रैश कोर्स है जो आपको जस्ट 45 डेज के अंदर आपका पूरा क्लास टेंथ का सिलेबस रिवाइज करवा सकता है। तो भाई इतना वेल एंड गुड, वेल प्रिपेयर्ड कोर्स आपके लिए लेकर के आया है वेदांतु, जिसका लिंक है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जब क्लिक करोगे तो वो ये भाई ये तो पेड बैचेस का होने वाला है। इसका जो फीस है मिनिमल 3,000 रुपीज़ है, उस 3000 रुपीस में पर मंथ के हिसाब से 1500 की कॉस्ट है। तो भाई 3000 के हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस, वो एसएसटी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे बेसिक मैथ्स हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, सब कुछ रिवाइज होने वाली है इस द्रोणा बैच में। मैक्स टू मैक्स 40 सेशंस होंगे। तो अगर आप 40 सेशन के हिसाब से अगर अंदाजा लगाओगे तो पर डे के हिसाब से आपके 300 रुपीस का ये कोर्स होने वाला है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट का कोर्स है। क्योंकि जब मैं अपने क्लास टेंथ में थी ना, तब मैंने तीन सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट का कॉस्ट मेरा 1000 रुपीज़ था पर मंथ का, तो मैंने तीन सब्जेक्ट पढ़े, तो तीन सब्जेक्ट का कॉस्ट मेरा 3000 रुपीज़ था। यहाँ आपको सारे के सारे सब्जेक्ट 3000 में मिल रहे हैं। तो भाई इससे अच्छा बैच तो आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। एनरोलमेंट का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करवा दिया है, प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ज्वाइन कर लो। आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर, मैं खुद बायो की क्लासेस लेने वाली हूँ। अच्छा, ये जो सेशंस हैं ये आपके पेड प्लेटफॉर्म पे होंगे, यूट्यूब पे नहीं होने वाले हैं। और जो बच्चा फाइनेंशियली थोड़ा सा नहीं ले सकता है ये बैचेस, उसके लिए भी वेदांतु एक और बैच लेकर के आया है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ का है। उसमें आपके सेशंस आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, जो भी शेड्यूल होगा इस द्रोणा बैच का वो सब मिल जाएगा। लेकिन सेशंस जो होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे, मतलब लाइव आप अपने डाउट हमसे नहीं पूछ पाओगे, कंपेयर टू वो 3000 बैच में, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है, वो है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। भाई ये टेस्ट सीरीज तो मस्ट अटेम्प्ट करने वाली है। इसमें आपके 15 मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, 3-3 मॉक टेस्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट के हैं। मैथ्स के बोल लो, एसएसटी के बोल लो, इंग्लिश के बोल लो, साइंस के बोल लो, सब कुछ आपके बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे पेपर सेट हैं। इसका भी लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से। इसमें कोई पैसे का पेमेंट आपको नहीं करना, ये 0 रुपीज की टेस्ट सीरीज है। तो भाई प्रैक्टिस करने के लिए और क्या चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। हाँ जी, ये टॉपिक थोड़ा सा इजी भी है, लेकिन आपको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन का ये टॉपिक। एंड ट्रांसपोर्टेशन का ये जो टॉपिक है, बता देती हूँ इसमें होने क्या वाला है। तो ट्रांसपोर्टेशन के इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, हमें पता है कि तीन टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें। एक आपका पंपिंग ऑर्गन रहता है, क्या रहता है, एक आपका पंपिंग ऑर्गन रहता है, ठीक है, एक आपका पंपिंग ऑर्गन रहता है जो कि आपका हार्ट होता है। एक आपका लिक्विड कंपोनेंट रहता है, एक आपका लिक्विड कंपोनेंट रहता है, वो क्या होता है, आपका ब्लड का सर्कुलेटिंग फ्लूइड, आपका ब्लड होता है। एंड एक आपका कैरियर कंपोनेंट रहता है, एक आपका कैरियर कंपोनेंट रहता है जो कि आपके ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाने में हेल्प करता है। वो क्या होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स, वो होते हैं आपके ब्लड वेसल्स। तो ये तीन कॉम्पोनेंट्स हमने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े हैं, जिसमें से मेन कॉम्पोनेंट जो हमसे पूछा जाता है वो है आपका हार्ट का डायग्राम। क्या होता है, हार्ट का डायग्राम
और हार्ट से रिलेटेड एक पार्ट आ जाता है डबल सर्कुलेशन, कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, अगर किसी को हार्ट का डायग्राम जस्ट 5 मिनट्स में बनाना सीखना है तो वो मेरा कल का सेशन वॉच आउट कर सकता है, जिसमें मैंने हार्ट को बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ विद इन 5 मिनट्स में ड्रॉ करना दिखाया है, सिखाया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। रही बात लेबलिंग की, तो लेबलिंग आपको कैसे करनी है मैंने वो भी उस सेशन में बताया है, तो आप लेबलिंग भी कर सकते हो उस सेशन को देख करके, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लेबलिंग होगी। एंड नेक्स्ट चीज जो आपको बताने लायक है वो है आपका डबल सर्कुलेशन का पार्ट। भाई डबल सर्कुलेशन आपका अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ। सबसे पहले सर्कुलेशन जो इसमें आता है वो आता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या आता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। भाई डबल सर्कुलेशन है मतलब आपका जो ब्लड है ना वो हार्ट के थ्रू 2 times पास हो रहा है टू कंप्लीट द 1 cycle। एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपका जो ब्लड है वो हार्ट में से 2 times पंप हो रहा है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो भाई ये जो डबल सर्कुलेशन होता है ये 2 types का होता है। एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल में से। राइट वेंट्रिकल में से निकल करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी ये पूरे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर के जाती है? लंग्स तक। तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हम इस टाइप के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। लंग्स में ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होने के बाद आपका CO2 बाहर चला जाता है एक्सहेलेशन के थ्रू, और वापस से O2 आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। कहां पे? लंग्स में। लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहां पे? पल्मोनरी वेन में, जो आपकी ब्लड को लेकर के जाती है लेफ्ट एट्रियम में, और यहां पे आपका एंड अप हो जाता है क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां पे एंड अप हो जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें आपका बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जहां लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है एओटा में, और एओटा इस पूरे ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां पे सर्कुलेट कर देती है? सिस्टम में, मतलब आपके बॉडी के सिस्टम में। यहां से आपका पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है? वेना कावा, जो सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। वेना कावा इस पूरे ब्लड को कहां लेकर के जाती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसको लेकर के जाती है राइट एट्रियम में, और यहां पे एंड अप हो जाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो भाई ये डबल सर्कुलेशन इस तरीके से, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप पढ़ करके जा रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड वेसल्स, की आर्टरीज वेन और कैपिलरीज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है कि आर्टरीज जो होती है उनकी वॉल्स जो होती है काफ़ी थिक होती हैं, वॉल्स की प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि उसमें कोई भी बैक फ्लो नहीं होता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ब्लड जो होता है काफ़ी हाई प्रेशर के साथ ट्रैवल होता है, इसीलिए इसकी जो वॉल्स होती है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। इसका जस्ट अपोजिट वेन्स में होता है, और ये हो गया कैपिलरीज। तो किसी को भी अगर इसकी PDF चाहिए कि भाई क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे समझेंगे क्या है क्या नहीं है, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अवेलेबल है। उसको ज्वाइन करोगे तो इस सेशन की PDF आपको वहीं से मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, वो है आपका प्लांट एंड एनिमल का हॉर्मोन्स। ये आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्लांट हॉर्मोन्स और एनिमल हॉर्मोन्स पे ही बनते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा या तो हेरिडिटी चैप्टर से बन रहे होंगे या तो वह इस चैप्टर से बन रहे होते हैं। तो भाई प्लांट हार्मोन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके 2 types के होते हैं। कैसे टाइप के होते हैं? 2 types के होते हैं प्लांट हार्मोन्स। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, प्लांट हार्मोन में 2 types के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स,
ठीक है, और एक होते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है, एक होते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट वाला और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट वाला। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब जरूरी नहीं है आप जिस जगह पे प्लांट को छू रहे हो, ठीक है, जिस जगह पे प्लांट को आप छू रहे हो सिर्फ उतना ही पार्ट मूवमेंट दिखाता है, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट पे होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये इसको हम थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। थिग्मो का मतलब होता है टच, आपने किसी को छुआ, आपने पौधे को छुआ, तो पौधा आप जहाँ पे छू रहे हो सिर्फ वहीं पे मूवमेंट नहीं दिखाता है, वो पूरे अपने प्लांट की बॉडी में मूवमेंट दिखाता है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में थिग्मोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। टच की वजह से जो मूवमेंट होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में उसको उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट नहीं शो कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में वो मूवमेंट शो करता है। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए मेनली आपके हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स जिनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा होगा, जिस डायरेक्शन से एनवायरमेंट में चेंज हो रहा होगा, प्लांट आपका मूवमेंट वहीं पे शो करता है, ठीक है, वहीं पे शो करता है। तो अगर मैं बात करूं आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, तो ये चार टाइप के होते हैं, एक जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। तो ये चार टाइप के मूवमेंट आपके प्लांट्स शो करते हैं, जिनके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके प्लांट के हॉर्मोन्स, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म जो होता है ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट शो करता है, मतलब आपकी रूट्स जो होती हैं वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रही है, तो जिस जगह पे आपका स्टिमुलस है ग्रोथ उसी के टूवर्ड्स में हो रही है या फिर उसके अगेंस्ट में हो रही है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये चार टाइप के मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आपका फोटोट्रॉपिज्म, जो कि एक हार्मोन की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सिन हार्मोन। तो भाई प्लांट हार्मोन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करूं तो ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, इन तीनों को हम ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं, ये ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। ऑक्सिन जो होता है सेल डिफरेंशिएशन, सेल एनलार्जमेंट दोनों ही करवाता है, फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और ऑक्सिन के साथ साथ में ही गिबरलिन काम करता है। गिबरलिन कभी भी अकेले काम नहीं करता, वो ऑक्सिन के साथ में ही काम करता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो ये सेल डिवीजन का हेल्प करता है, और ये फ्रूट्स और सीड्स में बहुत प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनको मच्योर करने का काम भी, कहीं ना कहीं उनको ग्रो करवाने का काम भी ये करता है, क्या, साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड और इथाइलीन की बात करूं तो ये दोनों ही इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, आपके प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे कि डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब सोने वाली स्टेज की, सीड को जब तक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसको हम डोरमेंसी स्टेज बोलते हैं। उसमें लेकर के जाता है लीव्स के झड़ने, टूटने, इन सब के काम में हेल्प करता है। एंड इथाइलीन भी आपकी फ्रूट की राइपनिंग में, आपका फ्रूट जो है पकने लग रहा है, ठीक है, पक जाता है, तो उसमें आपका इथाइलीन हेल्प करता है, और फ्लावर की और लीफ की सेनेसेंस में, मतलब डेथ में, ये डेथ प्रमोट करता है इथाइलीन, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट आप लोग याद कर लेना, आपको हर एक आंसर का क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं तो वो आ जाता है आपका एनिमल्स के हार्मोन। एनिमल्स के हार्मोन में आपके सबसे पहला हार्मोन जो मेन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, सिर्फ उतना पढ़ने की जरूरत है, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टीज। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका ग्रोथ हार्मोन और ADH पूछा जाता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एंड ADH। पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मेलानिन और मेलाटोनिन में क्या डिफरेंस होता है। मेलाटोनिन जो होता है वो एक हार्मोन है, वो आपकी स्लीप की, सोने की साइकिल को और उठने की साइकिल को कंट्रोल करता है, जबकि मेलानिन जो होता है वो आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है। ये एक टाइप का पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को, स्किन को डार्क बनाने का काम करता है। जैसे ही ये सन में एक्सपोज हो जाता है मेलानिन, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाती है उसकी, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रीट करता है, जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट की, आपकी बॉडी एनर्जी किस तरीके से बना रही है उसका कंट्रोल ये आपका थायरोक्सिन करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। देखो लिखा है कॉर्टिसोल जो होता है ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है, और फ्राइट और फाइट वाली सिचुएशन में आपका
एड्रेनलिन हार्मोन होता है। पेनक्रियाज जो होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागन सिक्रीट करता है जो आपकी ब्लड की शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ओवरीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन सिक्रीट करते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करते हैं फीमेल्स में। टेस्टिस जो होता है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है मेल्स में। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, वो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन से एक क्वेश्चन इस बार तो आना कंफर्म ही है, क्योंकि लास्ट ईयर रिफ्लेक्स एक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये अक्सर होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो क्वेश्चन आ जाएं इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में। तो रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। ठीक है, आप जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो उसको हम एक्शन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो आप पाथवे यूज कर रहे हो उसको हम आर्क बोलते हैं। जैसे कि आपका स्कूल हो गया रिफ्लेक्स एक्शन, स्कूल जाने के लिए जो आप रोड यूज कर रहे हो गया आपका रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है एक्शन जो होता है आपका रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जिसमें आपके दिमाग का कोई रोल नहीं होता। इसमें मेन रोल आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्ले करती है क्योंकि आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, उसमें आपको सोचने समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो भाई सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, तुरंत तुरंत एक्शन लेना होता है, इसीलिए यहाँ पे आपके स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अब आप देख सकते हो इस आदमी ने गर्म प्लेट को हॉट कप को छुआ, तो भाई हॉट कप को अगर ये छुएगा तो इसका हाथ क्या कर सकता है, जल सकता है। तो अब हमें दिमाग हमारे को इंस्ट्रक्ट करेगा कि हाथ हटाओ, फिर हम हाथ हटाएंगे कि हम तुरंत तुरंत हाथ हटाएंगे, तुरंत तुरंत हाथ हटाएंगे। तो तुरंत के एक्शन के लिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक्शन शुरू होता है आपके हीट के रिसेप्टर्स के साथ कि हीट आई, रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करी और ये कहां भेज देता है, सेंसरी न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन भेज देता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन मिली और ये न्यूरॉन ने ये इंफॉर्मेशन कहां पास कर दी, स्पाइनल कॉर्ड में। ये स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को तुरंत इंटरप्रेट करके रिले न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू, रिले न्यूरॉन के थ्रू आपकी ये इंफॉर्मेशन कहां पास कर देती है, मोटर न्यूरॉन के पास। किसके पास पास कर देती है, मोटर न्यूरॉन के पास पास कर देती है, और ये मोटर न्यूरॉन फिर आपके मसल्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करो और अपना हाथ वहां से तुरंत हटा लो, वरना गर्म कप को छू करके तुम्हारा हाथ जल सकता है। ठीक है, तो इस पूरे एक्शन में आपने तुरंत तुरंत रैपिड रिस्पॉन्स लिया बिना सोचे समझे, तो ऐसे टाइप के एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और यहां पे आपने जो पाथवे यूज किया, जो तरीका यूज किया आपने, वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस टू एग और ओवा व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड एंड और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होता है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने ट्यूबेक्टॉमी करवा दी तो ट्यूबेक्टॉमी में भी क्या मेंसुरेशन की साइकिल चलती है, तो इसका आंसर है यस। तो देखो होता क्या है, इसमें वो बताती हूँ। होता ये है कि जैसे कि ये आपकी ओवरी है, ये क्या है, आपकी ओवरी है। ये ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज करती है, हर मंथ आपके एग रिलीज करती है। एक बार एक ओवरी रिलीज कर रही है, एक बार एक ओवरी रिलीज कर रही है। तो होता क्या है, जब ओवरी में से निकल करके एग जो है फेलोपियन ट्यूब में आता है, एक एग जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर गया, तो इसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो भाई जब आपका ये एग जो होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 0 to 28 डेज के बीच में पूरा ये प्रोसेस होता है, जिसमें 14th डे पे, ये साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर इस टाइम पे कोई स्पर्म ने आकर के एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ओवरी है आपका, ये एग के साथ साथ दो हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। कौन कौन से, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है आपका प्रोगेस्ट्रॉन।
ठीक है, एक हो जाता है आपका प्रोगेस्ट्रॉन। ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन क्या करते हैं, ओवरी में से निकल करके, ये है आपका यूट्रस। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की इनर वॉल जो होती है, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है उसको स्पंजी और थिक बनाता है। क्या बनाता है? स्पंजी एंड थिक बनाने का काम करता है कौन? ये हॉर्मोन्स दोनों, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन, जो एग के साथ साथ रिलीज होते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, यूट्रस अपनी इनर लाइनिंग को मोटा करने लग जाता है, थिक और स्पंजी बनाने लग जाता है, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है कि अगर गलती से जो एग आपके फेलोपियन ट्यूब में आया है वो फर्टिलाइज हो गया, तो भाई हमारे ग्रोइंग जायगोट को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी। तो ये न्यूट्रिएंट्स यूट्राइन वॉल ही प्रोवाइड करता है उस टाइम पे जब जायगोट अगर बन गया तो। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, ओवरी ने एग रिलीज किया जो कि फेलोपियन ट्यूब में गया, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ। ओवरी ने एग के साथ साथ दो हार्मोन भी प्रोड्यूस करे जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन आपके यूट्रस की लाइनिंग को, इनर लाइनिंग को मोटा करता है, थिक और स्पंजी बनाता है, ताकि अगर गलती से एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो सके मम्मी में से, आपके मदर के ब्लड में से। ठीक है, तो अब इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो आपका एग फेलोपियन ट्यूब में आया था, जो एग आपका फेलोपियन ट्यूब में आएगा, ये डीजनरेट हो जाता है। ये डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट मतलब गायब हो जाता है, ठीक है, टूट टूट करके अपने आप ही चला जाता है, डीजनरेट हो जाता है। और आपके यूट्रस की जो लाइनिंग है, अब उसकी तो कोई ज़रूरत रही नहीं हमारी, क्योंकि एग तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है धीरे 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 करके ब्रेक हो जाती है, और वजाइना के थ्रू, आपकी वजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है, आपकी वजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसी तो ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो कि 5 से 7 दिनों तक चलती है, और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 0 to 28 days के बीच में रहता है, जहां पे एग रिलीज होता है, यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है, और फिर वो ब्रेक होकर के आपकी ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है वजाइना के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो टूटने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ना कि एग की वजह से। देखो, एग का इसमें कोई रोल नहीं होता, मेन रोल होता है यूट्रस की लाइनिंग का। एग अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो यूट्रस लाइनिंग जैसी है वो वैसी ही रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ही नहीं 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। और जैसे ही अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये यूट्रस लाइनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो टूट जाएगी और ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हेरिडिटी की टर्मिनोलॉजीज। भाई हेरिडिटी जो है एक ऐसा चैप्टर है जो कि इजी भी बहुत है लेकिन टफ भी बहुत है, लेकिन टफ तब है जब आपने इसके टर्म्स नहीं अच्छे से पढ़े हैं। तो जैसे कि आपने जीन नहीं पढ़ा, आपको करेक्टर्स या ट्रेट का मतलब नहीं पता, या फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब नहीं पता, तो ये बेसिक टर्म्स अगर आपको नहीं पता है तो आप मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगी। तो आपका जो जीन है, ये जो जीन होता है ये क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये क्रोमोजोम हो गया आपका, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम्स हमेशा इस तरीके से ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके एक परफेक्ट लोकेशन पे जीन्स। ठीक है, इन जीन्स को बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, और मेंडल ने इसका नाम फैक्टर रखा था। तो अगर बोर्ड्स एग्जाम में फैक्टर लिख करके आए तो समझ जाना जीन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जीन्स की बात हो रही है। सपोज करो मैंने बोला मेरी हाइट, तो मेरी हाइट जो है मेरे जीन्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मेरी जो हाइट है वो मेरे जीन्स कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरी हाइट लंबी होगी या मेरी हाइट छोटी होगी, तो लंबी हाइट और छोटी हाइट ये जीन्स के साथ ही कंट्रोल करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं, जो कि होते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। जैसे कि ये देखो आपकी आईज जो हाइट कभी नहीं होगी, क्या सर डरा रहे हो आपके जो अलील्स हैं आपके, वो आईज
जैसे मैंने हाइट का बोला, तो हाइट मेरी लंबी होगी या छोटी होगी, तो लंबी हाइट मेरा एक एलील कंट्रोल करेगा और छोटी हाइट मेरा दूसरा एलील कंट्रोल करेगा, जो आपके एक ही जीन के पार्ट होते हैं। ये पूरा जो है एक जीन है, उस जीन में आपके ये अलील्स प्रेजेंट होते हैं। अलील्स हमेशा इस तरीके से पेयर में रहते हैं, इस तरीके से हमेशा पेयर में रहेंगे। ये आपका पूरा जीन हो गया, जिसमें जीन के दो अलील्स हो गए, एक ये अलील हो गया, एक ये दूसरा अलील हो गया। हाइट अगर मैं बोलूंगी, अगर मैंने हाइट बोला, हाइट आपकी टॉल है, तो टॉल के दो जीन्स रहेंगे, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली हाइट अगर आपकी छोटी होगी, ड्वार्फ होगी, तो अगेन आपके दो अलील्स रहेंगे। ये एक जीन है, ये एक जीन है हाइट का, जिसमें ड्वार्फ जो होगा वो दो अलील में प्रेजेंट होगा, स्मॉल टी में। हाइट बोलूंगी तो हाइट जीन कंट्रोल करता है, हाइट आपकी लंबी होगी या छोटी होगी, ये जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म कंट्रोल करते हैं, जिनको हम अलील्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका फीनोटिपिक। तो फीनोटिपिक क्या होता है कि मैं बाहर से दिखने में कैसी हूँ। हमारा जो मेंडल का पी प्लांट था, वो बाहर से दिखने में कैसा था, लंबा था, छोटा था, मोटा था, कलर कैसा था। तो फिजिकल अपीयरेंस जब हम बोलेंगे तो हम उसको फीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस पी, फिजिकल अपीयरेंस से पी और फीनोटाइप से पी, तो ये याद रखना। ठीक है, जैसे कि इसमें है कि टॉल है और ड्वार्फ है, तो ये इसके फिजिकल अपीयरेंस हो गए। ये क्या हो गए? इसके फिजिकल अपीयरेंस। और अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, तो टॉल प्लांट जो होगा, जिसको आप लोग कैसे लिखते हो, या तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हो, तो ये जो लिखने का तरीका होता है ना, इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो हम जब जीन्स की बात करते हैं इस तरीके से, तो उसको जीनोटिपिक जेनेटिक मेकअप बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरीके से टॉल और ड्वार्फ की बात करते हैं, तो वो फीनोटिपिक रेशियो होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके मेंडल चचा जी ने सिंगल करेक्टर को यूज किया था, जो कि क्या थे? टॉल और ड्वार्फ प्लांट थे। कैसे थे? टॉल और ड्वार्फ प्लांट थे। तो इस तरीके से उसका पूरा क्रॉस बनता है, जिसमें उन्होंने क्या होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट लिए थे। होमोजाइगस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट लिए थे। ठीक है, होमोजाइगस ड्वार्फ एंड टॉल प्लांट्स लिए थे, जिसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इन्होंने इसका क्या करवाया था? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। क्या करवाया था? इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने में देखो, इसके जो गैमीट्स बनेंगे, 50% गैमीट्स में क्या जाएगा? कैपिटल टी जाएगा। 50% गैमीट्स में क्या जाएगा? कैपिटल टी जाएगा। इसमें भी 50% गैमीट्स में स्मॉल टी जाएगा। 50% गैमीट्स में आपका अगेन स्मॉल टी जाएगा। तो क्या बनेगा? F1 जनरेशन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। F1 जनरेशन क्या बनी? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसके बाद क्या किया था इन्होंने? F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया था। सेल्फ क्रॉस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था F1 जनरेशन का, जिसमें हम एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं इस तरीके से। एक कैपिटल टी यहां लिखो, एक स्मॉल टी यहां लिखो, एक कैपिटल टी यहां लिखो, एक स्मॉल टी यहां लिखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर मैं टॉल बोलूं, अगर मैं टॉल बोलूं, तो आपके तीन प्लांट्स टॉल है, है ना, और एक प्लांट आपका छोटा है, ड्वार्फ है। तो यहां पे मैं उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोल रही हूं। क्या बोल रही हूं? सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो 3:1 उसका फीनोटिपिक रेशियो हो गया। क्या हो गया? 3:1 उसका फीनोटिपिक रेशियो हो गया। लेकिन अगर मैं उसके जीन्स के बारे में बात करूं कि ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये स्मॉल टी है। तो जीनोटाइप की बात करूं, तो एक आपका प्योर टॉल था, दो आपके होमोजाइगस हेटरोजाइगस टॉल थे, और एक आपका प्योर ड्वार्फ प्लांट था। तो जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। इस तरीके से उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, और सिमिलरली ऐसे ही उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, जिसमें उन्होंने टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, एक तो शेप ऑफ द सीड लिया था और एक कलर ऑफ द सीड लिया था। ठीक है, एक शेप ऑफ द सीड लिया था, एक कलर ऑफ द सीड लिया था। तो भाई जीनोटिपिक रेशियो उनका आया था 9:3:1, सॉरी फीनोटिपिक रेशियो उनका यही आया था। डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपसे जीनोटिपिक रेशियो नहीं पूछा जाएगा।
नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 10% एनर्जी लॉ, जो कि आर एनवायरनमेंट चैप्टर से है, और ये पूरा का पूरा आपको 5 मार्क्स दे करके जाएगा। चाहे तो लिख करके ले लो अभी, गारंटीड है कि 10% लॉ में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। अगर मैं 10% एनर्जी लॉ की बात करूँ तो 10% एनर्जी लॉ हमें ये बताता है कि जितनी एनर्जी आपके प्लांट्स में रहती है, जितनी एनर्जी वो सनलाइट को लेकर के बनाते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे लेवल में जाता है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आपके प्लांट्स हैं, आपके प्लांट्स के पास 10,000 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी एनर्जी प्लांट खुद में यूज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल डिविजन करने के लिए। बहुत सारी एनर्जी उनमें से लॉस हो जाती है, हीट लॉस हो जाती है, जो वापस से एनवायरमेंट में चली जाती है। तो अब इस 10,000 जूल की एनर्जी में से सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। इसका 10% निकालोगे तो कितना बचा, 1000 जूल ऑफ एनर्जी बचेगी, जो कि किसके पास जा रही है, रैबिट के पास जा रही है। सिर्फ 10% एनर्जी ही आपकी रैबिट के पास जाएगी। अब रैबिट के पास कितनी एनर्जी थी, 1000 जूल ऑफ एनर्जी। रैबिट को खाने वाला कौन है आपका, स्नेक। तो स्नेक के पास रैबिट में से सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, मतलब यहाँ पे कितनी एनर्जी जाएगी आपकी, सिर्फ 100 जूल ऑफ एनर्जी आपकी स्नेक के अंदर जाएगी। अब स्नेक को कौन खा रहा है आपका, ईगल खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। तो अब अगेन ईगल के पास स्नेक की 100 जूल ऑफ एनर्जी में से सिर्फ 10% जाएगा। तो अगर आप इसका 10% निकालोगे तो अगेन आपका कितना बच गया, सिर्फ 10 जूल ऑफ एनर्जी आपके ईगल के पास रह गई। रेस्ट ऑफ द एनर्जी हीट लॉस के फॉर्म में वापस एनवायरमेंट में चली जाती है। इसी को ही हम 10% एनर्जी लॉ बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि क्यों आपकी फूड चेन जो होती है उसमें सिर्फ 4 या 5 टॉपिक लेवल होते हैं। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि एनर्जी जो होती है सिर्फ 10% ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाती है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक लेवल बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लंबी फूड चेन बनाएंगे, तो सबसे लास्ट वाला जो आपका कंज्यूमर होगा उसके पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी। इसीलिए हमारी जो फूड चेन होती है वो छोटी होती है। वो क्या होती है, छोटी होती है। आपका यही 10% एनर्जी लॉ रेमंड लिंडमैन ने दिया था 1942 में, जिसकी अगर डेफिनेशन आएगी तो आप ये लिख करके आ सकते हो। तो अब भाई समझ में आ गए होंगे आपके सारे ही ये ट्रिकी और मोस्ट इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स, जिसको आपको रिवाइज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आपको समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन को शेयर भी कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए बोर्ड्स में। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर किसी को मुझे फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, पर्सनली खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।